तोता मैना की कहानी के किस्से, इस पर मैंने इससे पहले दो वीडियोस बनाए हैं और दोनों कहानी यदि आपने नहीं देखी हो तो मैं उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप उन दोनों को देख सकते हैं और उनको मैं आई बटन में भी लगा दूंगा, जहां से आप उन दोनों कहानियों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और उसी क्रम का, तोता मैना की कहानी के क्रम का यह तीसरा वीडियो है। और पहले वीडियो में मैंने दो जो वीडियो बनाए थे उनमें दोनों बेवफा औरतों के बारे में बताया था, और आज की जो कहानी है इसमें मैना तोते से कह रही है। मैना तोते से बोली, ए तोते ध्यान से सुनो, चंद्रनगर नामक एक शहर में वीरसेन नामक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के इकलौता बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने श्याम सुंदर रखा था। जैसा सुंदर नाम था उतना ही सुंदर और बुद्धिमान तथा रूपवान वह पुत्र था। एक बार की बात है कि एक सौदागर व्यापार करने उस राजा के शहर में आया, चंद्रनगर में आया, और उस सौदागर ने राजकुमार श्याम सुंदर को देखा तो उसे देख करके एक लड़की की तस्वीर दिखाई उस सौदागर ने। तस्वीर देखकर राजकुमार श्याम सुंदर बड़ा खुश हो गया। उसने उस सौदागर से पूछा, यह तस्वीर किसकी है? इसको देखकर तो मेरे हृदय में इस राजकुमारी को पाने की ज्योति जल उठी। सौदागर ने उत्तर दिया, राजकुमार इस स्त्री के रूप का क्या बयान करूं, इस जैसी सुंदर स्त्री सात द्वीपों में नहीं मिलेगी। इसके रूप के आगे चंद्रमा भी शर्माता है। इसके सुंदर नयन देखकर मृग भी घबराकर भाग जाते हैं। इसकी मदमाती चाल देखकर नागिन अपनी चाल भूल जाती है, और इसके कपोलों का क्या कहना, उनकी लालिमा से फूलों का सौंदर्य मंद पड़ जाता है। आहा राजकुमार, ये कंचनपुर शहर के राजा इंद्रसेन की पुत्री है। सौदागर से सारी बात पूछकर राजकुमार ने सौदागर को बहुत सा माल देकर के विदा कर दिया। उसके हृदय में प्रेम ज्योति जल उठी। राजकुमार श्याम सुंदर सोचने लगा, जब तक वह स्त्री वह राजकुमारी मुझे नहीं मिल जाती तब तक मेरा इस पृथ्वी पर जीना व्यर्थ है, अतः मैं उस राजकुमारी को प्राप्त करूंगा, चाहे भले ही कुछ भी क्यों ना हो जाए। हे तोता, मैं ना कह रही है तोते से कि हे तोता, ये सोचकर राजकुमार ने जो शाही वेशभूषा थी वो उतार दी, एक तरफ फेंक दी, और उसने एक साधु का वेश बना लिया और वह जंगल की तरफ चल दिया। राजकुमार ने जब जंगल जाने के लिए अपना वेश बदला तो महाराज वीरसेन को इसका पता चला। वीरसेन बहुत घबराए और सोचने लगे कि आखिर राजकुमार पर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो उसने राजसी ठाट बाट छोड़ करके साधु संन्यासियों का वेश धारण कर लिया। और महाराज वीरसेन उसके सामने आए और उससे कहने लगे कि बेटे तुम ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो? तो ये बात सुनकर के राजकुमार श्याम सुंदर अपने पिता से कहने लगा कि पिताजी हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का ये नियम होता है कि जिस किसी कार्य की वो सोच ले उस कार्य से पीछे नहीं हटते। इसलिए हे पिताश्री, मुझे महाराज इंद्रसेन की पुत्री से विवाह करके लाना है जो कि कंचनपुर नगर के महाराज की पुत्री है। राजकुमार ने अपने पिता को यह उत्तर दिया तो पिताजी घबरा करके बोले, बेटे उस पुत्री ने ना जाने अब तक कितने मनुष्यों को मरवा दिया, उसकी बातों में ना जाने कितने मनुष्य फंस गए, कितने राजाओं को कैद करा दिया। फिर बेटे तू मत जाए, परंतु राजकुमार नहीं मानता है। राजकुमार नहीं माना तो उसकी माता भी उसके पास आ जाती है और उसकी पत्नी भी उसके पास आ जाती है। राजकुमार का विवाह पहले हो चुका था तो उसकी माता और पत्नी दोनों ने राजकुमार को समझाया कि आप कहां जा रहे हैं, आपका तो पहले ही विवाह हो चुका है, आपके घर में तो एक सुंदर सी स्त्री पहले से है। श्याम सुंदर अपनी माता के रोने तड़पने का कोई भी ध्यान नहीं देता है और वह चंद्रकरण नाम की उस लड़की को प्राप्त करने के लिए चल देता है आगे की तरफ। उसकी पत्नी ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की लेकिन नहीं रुका।
राजकुमार की बात सुनकर रानी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपने प्रियजनों की ऐसी दशा देखकर भी श्याम सुंदर प्रभावित नहीं हुआ और वह अपने प्रेम के नाते तोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद जब राजकुमार श्याम सुंदर की पत्नी को होश आया तो वह रो रो करके उसने बुरा हाल कर लिया। मैना आगे बोली, हे तोते, राजकुमार श्याम सुंदर के समान क्या कोई बेवफा होगा? उसकी पहली पत्नी रोती बिलखती रह गई, परंतु उस निर्दयी को उस पर तनिक भी दया नहीं आई। मैना ने कहा, अब तू श्याम सुंदर के बारे में सुन तोता। एक लंबी यात्रा करने के पश्चात आखिरकार श्याम सुंदर कंचनपुर में जा पहुंचा तथा वह ठीक राजकुमारी के महल के सामने आसन लगा करके बैठ जाता है। दूना जमा लिया उसने राजमहल के आगे। एक दिन जब राजकुमारी अपने महल की खिड़की में आकर खड़ी हुई तो संयोग बस उसकी दृष्टि साधु बने श्याम सुंदर पर पड़ जाती है। इसी समय राजकुमार श्याम सुंदर ने भी ऊपर की तरफ देखा और जैसे ही उन दोनों के नयन मिले तो राजकुमारी भी श्याम सुंदर को देख करके अचंभित रह गई। सोचने लगी, आहा, कितना सुंदर राजकुमार है। यदि काश ये मेरा पति होता, ये मुझसे विवाह कर ले, परंतु ये तो साधु के वेश में है, इसको साधु होने की क्या जरूरत पड़ गई। राजकुमारी श्याम सुंदर से कहने लगी कि हे साधु, तुम इस तरीके से साधु के वेश में क्यों हो, जबकि तुम देखने में तो बहुत सुंदर लग रहे हो। मैं तो यदि तुम साधु ना होते तो तुमसे अवश्य विवाह कर लेती। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। मैना बोली, हे तोते, अब तो श्याम सुंदर चंद्रकरण से कहने लगा कि मैं केवल तुझे प्राप्त करने के लिए ही इस वेश को धारण करके यहां तक आया हूं। मैं तो तुझसे मिलना चाहता था। हे प्रिय, मैं भी तुझे अपनी आत्मा से चाहता हूं। दोनों की बातचीत होने लगी और वही उस महल के नीचे ही श्याम सुंदर अपना धूना लगा करके बैठ जाता है। अब ध्यान से सुनिए, राजकुमारी चंद्रकरण उस साधु के रूपधारी श्याम सुंदर से कहने लगी कि आज रात्रि को मैं महल के पीछे कबंद डाल दूंगी और उस कबंद से आप महल के ऊपर चढ़ सकते हैं, आप महल के ऊपर आ जाना। देखो श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि चंद्रकरण ने श्याम सुंदर पर ऐसा जादू डाला। बड़ी सुंदरी थी चंद्रकरण और बड़ा सुंदर था श्याम सुंदर, तो दोनों एक दूसरे को महल में बुला लेती। चंद्रकरण ऊपर से एक रस्सा डाल देती, कमंद डाल देती और श्याम सुंदर पीछे से उस खिड़की के द्वारा चंद्रकरण के महल में पहुंच जाता। दोनों बड़े ऐश आराम से रहने लगे। एक दिन चंद्रकरण श्याम सुंदर से कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, ध्यान से सुन, कोई जो मुझे प्राप्त करना चाहता है आखिरकार वह मेरे पिता की कैद में डल जाता है और इसी कारण मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है कि कहीं तुम मेरे पिता के फंदे में ना फंस जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तुम जानते हो न जाने कितने राजा महाराजाओं के पुत्र मुझे प्राप्त करने के लिए कंचनपुर तक चल करके आए और मेरे पिता की जेल में पड़े हुए आज भी सड़ रहे हैं। इसलिए तैने मुझे खूब देख लिया, मेरे साथ रह लिया, अब तू अपने नगर को वापस लौट जा। परंतु श्याम सुंदर जाने के लिए तैयार नहीं था। श्याम सुंदर कहने लगा, हे राजकुमारी, मैं क्षत्रिय हूं और इस तरीके से मैं तुझे छोड़ करके कैसे चला जाऊंगा। मैं तो तेरे साथ विवाह करके तुझे लेकर के जाऊंगा। राजकुमारी चंद्रकरण ने राजकुमार श्याम सुंदर की बात सुनकर के कह दिया कि ठीक है, आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एक दिन फंस जाओगे। और वही उनका क्रम चलता रहा। राजकुमारी चंद्रकरण रोजाना उसे कमंद डाल देती और श्याम सुंदर उस कमंद के रास्ते पिछवाड़े से महल की खिड़की के द्वारा उसके कक्ष में पहुंच जाता और दोनों बड़े ऐसो आराम से जिंदगी व्यतीत करने लगे। मैना बोली, हे तोता, इस प्रकार दोनों को ऐसो आराम से रहने में बहुत से दिन व्यतीत हो गए। एक बार की बात है,
कि जब श्याम सुंदर रात के अंतिम पहर में राजकुमारी के महल से कमंद द्वारा नीचे उतर रहा था, कमंद एक रस्सा होता है पीछे की तरफ डाल देती है राजकुमारी उसको उस रस्से को, और उससे राजकुमार श्याम सुंदर नीचे उतर रहा था। उसी समय शहर का कोतवाल पहरा देने के लिए चला आता है और उसने श्याम सुंदर को उतरते हुए देख लिया। कोतवाल ने श्याम सुंदर को चोर समझा और उसे पूछने लगे, अरे कौन है तू, आधी रात को महल में चोरी करने आया है? श्याम सुंदर कोतवाल को देखकर डर गया और कहने लगा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं एक गरीब आदमी हूं, आप मुझे क्षमा कर दें। श्याम सुंदर की बातों का कोतवाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कोतवाल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसे बंदी बना लो और महाराज के सामने कल प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए श्रोताओं, सिपाहियों ने उसे बंदी बना लिया और दूसरा दिन जब हुआ तो कोतवाल ने श्याम सुंदर को राजा के दरबार में पेश किया और महाराज को संपूर्ण बात कह बताई कि हे राजन, ये तुम्हारे महल में चोरी करने के उद्देश्य से मैंने इसे उतरते हुए देखा था, ये पीछे की तरफ रस्सा डाल करके न जाने कैसे महल पर चढ़ गया और ये महल से नीचे उतर रहा था, और हे राजन इसको हमने उतरते हुए पकड़ लिया। राजा इंद्रसेन ने यह बात सुनी तो बड़े क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत श्याम सुंदर को सख्त कारावास की सजा सुना दी। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ इसे काल कोठरी में ले जाकर के बंद कर दो, इसको खाने के लिए केवल एक सूखी रोटी और पीने के लिए 3 दिन का बासा पानी मिलना चाहिए, जाओ इसे तुरंत ले जाओ, चोरों को तो हमारे यहां कठोर से कठोर सजा दी जाती है। हे तोता, जब चंद्रकरण को यह बात पता चली कि राजा ने उसके पति को कैद कर लिया है, उसके प्रेमी को जेल में डाल दिया है, तो चंद्रकरण बड़ी दुखी होती है। वो बार बार अपने पति की याद करके, अपने प्रेमी की याद करके पछता रही है, रो रही है, सोच रही है कि मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं श्याम सुंदर के साथ यहां से भाग जाती। राजकुमारी चंद्रकरण को अपने पिता पर भी क्रोध आ रहा था, पर वे क्या करें, राजकुमारी ऐसी बातें सुनकर बहुत घबराई, परंतु करे क्या, और धीरे धीरे समय और निकलने लगा। हे तोता, चंद्रकरण ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, तुम महाराज से जाकर के मेरी बात कहो कि मैं श्याम सुंदर से प्रेम करती हूं, वो श्याम सुंदर को छोड़ दें। परंतु दासी कहने लगी कि हे राजकुमारी, यदि तुम्हारे पिता को इसका पता चला तो तुम्हारे पिता तुम्हें अवश्य ही मृत्युदंड देंगे और उसको फिर जीवित नहीं छोड़ेंगे, श्याम सुंदर भी मारा जाएगा, इसलिए तुम कुछ ना कहो और श्याम सुंदर को छुड़ाने का कोई प्रयास करो। मैना ने कहा, हे तोता, इस प्रकार राजकुमारी चंद्रकिरण हर समय श्याम सुंदर को याद कर करके उसके ब्रह में तड़पती रही। हे तोते, अब मैं यहां का किस्सा समाप्त करके तुझे राजकुमार श्याम सुंदर की जो पहली पत्नी थी उसका हाल सुनाती हूं, ध्यान से सुनो। रानी अपने पति के ब्रह में हर समय तड़पती रहती है। एक रात जब वह अपनी चित्रसारी में सो रही थी तो तभी उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक बच्चा उससे कह रहा था, हे रानी, तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर के महाराज ने कैद कर लिया है और महाराज उसे बहुत शीघ्र ही मृत्युदंड देंगे। देखिए श्रोताओं, यह स्वप्न देखकर रानी एकदम हड़बड़ा करके जाग जाती है, व्याकुल होकर चीखने और रोने लगी। रानी का बिलाप सुनकर उसकी दासियां दौड़ी हुई आईं और कहने लगी कि हे महारानी, क्या हुआ, आखिरकार आप बताएं। तो रानी कहने लगी कि हे दासियों, मैंने आज अभी स्वप्न में एक बहुत खतरनाक स्वप्न देखा है। मैं सो रही थी, स्वप्न में मुझे एक बच्चे ने आवाज दी और कहा कि तू तो सो रही है, उधर तेरा पति श्याम सुंदर कंचनपुर में कैद कर लिया गया है और महाराज उसे बहुत जल्दी ही मृत्युदंड देंगे। सुन करके दासी भी अचंभित हो गई। दासी कहने लगी कि हे महारानी, ये स्वप्न होते हैं, ये कभी सच्चे नहीं होते, परंतु हे तोता, वो पतिव्रता स्त्री थी,
और पतिव्रताओं को जब उनके पतियों पर कोई संकट आता है तो आभास हो जाता है। इसलिए वह पूर्व रानी श्याम सुंदर की पहली पत्नी कहने लगी कि मुझे जैसे भी संभव हो मेरे पति की सहायता करनी होगी, मुझे अवश्य ही मेरे पति को कंचनपुर जाकर के छुड़ा के लाना होगा। ऐसा सोच करके वह अपनी सास को बुलाती है, राजकुमार श्याम सुंदर की माता को बुलाती है और उससे भी वह स्वप्न कह सुनाती है। तो माता का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। माता ने कह दिया कि पुत्री अब तू ही कोई उपाय सोच। तो अपनी सास का आदेश पाकर उसकी पूर्व रानी श्याम सुंदर की पहली पत्नी एक जोगिन का रूप बनाती है और उसने जोगिन का रूप बनाया, अपना राजसी बाना उतार दिया और राजसी बाना उतार करके अपनी सास से कहने लगी कि अब मैं मेरे पति को छुड़ा करके लाऊंगी। मैना ने कहा हे तोते, वह अपने पति की तलाश में घर से निकल जाती है। बहुत दिनों तक शहरों और जंगलों में फिरती रही, भटकती रही, परंतु उसे कहीं राजकुमार का पता नहीं चला। परंतु धीरे धीरे पूछते पूछते 3 महीने के समय में वह कंचनपुर शहर में जा पहुंची। कंचनपुर पहुंचकर उसने लोगों से अपने पति के विषय में पूछताछ की तो लोगों ने रानी को बताया कि एक ऐसे व्यक्ति को महाराजा ने आज से 3-4 माह पहले गिरफ्तार किया था जो कि पीछे से महल के पीछे से हमारी राजकुमारी चंद्रकरण के महल से नीचे उतर रहा था। यह सुनकर रानी सोच में पड़ गई। रानी को पता था कि चंद्रकरण के चक्कर में ही तो मेरे पति यहां आए हैं। यह सुनकर रानी मन में विचार करने लगी कि अब मुझे कोई उपाय करना होगा जिससे मैं अपने पति को यहां की इस जेल से, इस काल कोठरी से मुक्त करा सकूं। हे तोता ध्यान से सुन, देखिए औरत जाति कैसी होती है, कितनी वफादारी कर रही है अपने पति के साथ। अब कुछ सोच समझ कर उसने लोगों से राजा के विषय में पूछताछ आरंभ की कि आखिरकार राजा किस चीज में ज्यादा शौक रखता है। तो लोगों ने उसे जवाब दिया कि राजा को गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। राजा तो यदि किसी के गाने पर मुग्ध हो जाए तो उसे राज्य तक भी दे सकता है। ये बात सुनकर उसकी पहली पत्नी की प्रसन्नता की सीमा ना रही क्योंकि वह गायन विद्या में बड़ी निपुण थी। रानी ने शहर के मुख्य स्थानों पर जा करके गाना आरंभ कर दिया। कुछ ही दिनों में वह प्रसिद्ध गायिका हो गई। संपूर्ण शहर में ये आवाज फैल गई, ये शोर मच गया कि एक जोगिनी बड़ी सुंदर है, बड़ी रूपवान है और उसका गायन यदि कोई सुन ले तो क्या कहें। एक दिन शाम के समय रानी हाथ में बीड़ा लिए किसी उद्यान में खड़ी होकर के एक गाना गा रही थी। मैना बोली हे तोते, रानी का ये राग सुनकर के बहुत सारे लोग वहां एकत्र हो गए और उसके गाने की प्रशंसा करने लगे। तब रानी ने एक और गाना सुनाया। रानी ने इस गाने को इतने मधुर स्वर में गाया कि खड़े हुए लोग उस गाने में मंत्र मुग्ध हो गए, मान लो किसी ने सम्मोहक मंत्र उन पर फूंक दिया हो। और वह बात वहां से एक राजा का सिपाही सुनकर के चला जाता है उस गाने को। उसने महाराज के दरबार में जाकर के राजा इंद्रसेन से कहा कि ये राजन एक परम सुंदर जोगिनी है और वह गाने में इतनी प्रवीण है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, उसका गायन प्रतियोगिता में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, न जाने वह कहां से आई है, कितने सुंदर तरीके से गीत गाती है। देखिए तोता, जब राजा ने अपने सिपाही की बात सुनी तो अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि मंत्री जाओ, जो जोगिनी यह गायन कर रही है, यह गाना गा रही है, उसे राज दरबार में लेवा लाओ, सम्मान सहित उसे हमारे दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा पाकर मंत्री उस रानी के पास गया जहां रानी गाना गा रही थी और हाथ जोड़ करके उस रानी से कहने लगा कि हे जोगिनी माता, आप ना जाने कौन है मैं नहीं जानता, परंतु आपको हमारे महाराज ने याद किया है, राजा आपके मुंह से गाना सुनना चाहते हैं। रानी ने कहा कि हे मंत्री,
हमें राजा के दरबार से क्या लेना देना। जिस स्थान पर आसन लगाकर बैठ जाए हमें तो वही राजा का दरबार होता है, हम किसी राजा के दरबार में नहीं जाएंगे। इच्छा होती है वहीं रहते हैं। जोगन की बात सुनकर के मंत्री ने कहा कि हे जोगनी ध्यान से सुनो, महाराज तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे, यदि राजा प्रसन्न हो गए तो तुम्हें हो सकता है अपना राज्य भी दे दे। रानी कहने लगी कि हे मंत्री हम जोगन ठहरे, हमें किसी के राज्य से क्या लेना देना, हमें किसी के राज्य से क्या मतलब, हमें तो केवल हरी चर्चा से मतलब है, हम तो केवल गायन द्वारा यहां की जनता को हरि की चर्चा सुनाते रहते हैं। जब देखिए श्रोताओं, मंत्री ने उस रानी की बात सुनी तो बार बार आग्रह किया और कहने लगा कि हे जोगनी तुम जानती हो कि आपको महाराज के दरबार में चलकर ये गाना सुनाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो धर्म का काम है। राजा महाराजा अपने राजकाज को छोड़ करके नहीं आ सकते और तुम्हारा दरबार में वो सम्मान भी करेंगे। जोगनी तो यही चाहती थी। ये सुनकर के वह रानी मंत्री के साथ चलने को तैयार हो गई और रानी मंत्री के साथ राजा के दरबार में आ जाती है। उसके दरबार में आते ही सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस जोगनी के सम्मान में, जो श्याम सुंदर की पहली पत्नी थी, उसके सम्मान में खड़े हो गए। राजा के नौकरों ने आसन प्रदान किया। राजा ने हाथ जोड़कर उस रानी से पूछा, हे जोगनी जी आप कहां की रहने वाली हैं? उस जोगन ने उत्तर दिया, हम रतनगिरी के रहने वाले हैं और हमारा काम केवल हरी चर्चा का बखान करना है। जोगन की बात सुनकर राजा ने उससे कहा, हे जोगन जी हमारी अभिलाषा है कि आप हमें अपने मुख से कुछ हरी गुणगान सुनाएंगे। राजा ने प्रार्थना की तो रानी ने सम्मोहक राग गाया। देखिए ये राग की विद्याएं होती हैं, गायन की विद्याएं होती हैं, और सम्मोहक राग ऐसा होता है कि सामने वाले को वो अपने बस में कर लेता है। राजा ने जब रानी का सम्मोहक राग सुना, वह रानी ये विद्या जानती थी सम्मोहक राग की, और जब राजा इंद्रसेन ने सम्मोहक राग सुना तो महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। जोगन महाराज आपका राग सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपको किस चीज की आवश्यकता है आप मुझसे मांग सकती हैं, मैं अवश्य ही आपको वह चीज लाकर के दूंगा। जोगनी कहने लगी कि हे महाराज यदि वास्तव में आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे 3 वचन दे दीजिए, मैं तब आपसे कुछ मांग सकती हूं। राजा ने विचार किया जोगनी है क्या मांगेगी, 1-2 गांव मांग लेगी, कहीं मंदिर के लिए स्थान मांग लेगी, कोई बात नहीं है मैं इसे 3 वचन दे देता हूं। राजा इंद्रसेन ने भरे हुए दरबार में 3 वचन दे दिए कि हे जोगनी मैं तुम्हें 3 वचन प्रदान करता हूं, तुम जो मांगोगी वही दूंगा। तब तो राजा की बात सुनकर के जोगनी कहने लगी कि हे राजा मैं वास्तव में कोई जोगनी नहीं हूं, मैं तो महाराज वीरसेन के पुत्र श्याम सुंदर की पत्नी हूं। हे राजन मैं चंद्रनगर की राजवधु हूं। राजा कहने लगे तो तुमने ये जोगन का रूप धारण क्यों किया कि हे महाराज मेरे पति श्याम सुंदर आपकी पुत्री चंद्रकिरण के प्रेम में फंस करके यहां आ गए और आपने उसे बंद कर लिया, कैद कर लिया, और आप उन्हें मृत्युदंड भी देना चाहते हैं, मैंने ये सुना है। हे राजन मैं आपसे यही चाहती हूं, यही मांगती हूं कि आप मेरे पति को छोड़ दें और अपनी बेटी चंद्रकिरण का विवाह मेरे पति के साथ कर दें। राजा को उस जोगनी की बात सुनकर के, उस रानी की बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगा हे पुत्री तुम वास्तव में महान हो, तुम स्वयं अपने पति के लिए विवाह मांग रही हो, तुम कितना त्याग कर सकती हो, धन्य है तुम्हारे त्याग को, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे पति श्याम सुंदर को छोड़ करके अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे पति के साथ किए देता हूं। मैना ने कहा हे तोते ध्यान से सुन, तू देख श्याम सुंदर की पत्नी को किस प्रकार से उसने अपने उस बेवफा पति को छुड़ाया और उसका विवाह भी करवा दिया, और विवाह करने के बाद चंद्रकिरण श्याम सुंदर का जब विवाह हो गया तो श्याम सुंदर
वहां आराम से रहने लगा अपनी दोनों पत्नियों के साथ। उसने अपनी पत्नी जो पहली पत्नी थी उसके लिए अलग कक्ष बनवा दिया और जो नई पत्नी थी चंद्रकिरण उसके लिए अलग कक्ष बनवा दिया। वहां कुछ समय तक रहा और जब कुछ समय बीत गया तो जोगन कहने लगी, जो रानी थी पहली रानी, वो कहने लगी कि हे महाराज, क्या आपको अपने माता पिता की याद नहीं आ रही है? चलो अब अपने गांव अपने शहर के लिए चलते हैं, अपने राज के लिए चलते हैं। देखिए श्रोताओं, उस पूर्व रानी की बात सुनकर के श्याम सुंदर कहने लगा, ठीक है हम भी अब घर को चलने के लिए तैयार हैं। अब तो श्याम सुंदर ने दूसरे दिन महाराज इंद्रसेन के दरबार में जाकर के कहा कि हे महाराज, आप हमें अपने घर जाने की अनुमति प्रदान करें, हमें घर से निकले हुए बहुत समय हो गया है। देखिए तोता, राजा इंद्रसेन ने अपनी पुत्री चंद्रकिरण सहित राजकुमार को बहुत सी धन दौलत देकर के विदा कर दिया और एक दिव्य रथ 10 पहिए से सुसज्जित जिसमें 4 सुंदर अश्व जुते हुए थे उस रथ में बैठा करके अपनी दोनों पुत्रियों को विदा कर दिया। चंद्रकिरण और उसकी सौत, वो भी राजा की पुत्री हुई, दोनों को श्याम सुंदर के साथ विदा कर देते हैं। श्याम सुंदर की पहली पत्नी भी उसके साथ चल रही थी। हे तोता अब ध्यान से सुन, जब वह कुछ आगे निकल आया, जंगल में आ गया, तो श्याम सुंदर के मन में विचार आया, अगर मेरे माता पिता ने मुझसे यह पूछा कि बेटा चंद्रकिरण के साथ तुमने विवाह कैसे किया, क्या वीरता दिखाई, क्या पराक्रम दिखाया, तो मैं उन्हें इस विषय में क्या बताऊंगा। मेरी पहली पत्नी अवश्य ही उन्हें मेरे जेल का हाल सबसे पहले सुनाएगी कि तुम्हारे पुत्र को मैंने ही जाकर के छुड़ाया था और यदि मैं नहीं जाती तो ये जेल में पड़ा हुआ सड़ जाता, जिससे मुझे माता पिता के आगे और मेरे राज्य में बहुत सी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। हे श्रोताओं, तोता कह तोता से मैना कह रही है कि हे तोता, वह देखिए कितना बेवफा मर्द था, कितना निर्दयी मर्द था, उसको देखिए। उसके मन में विचार आया कि इससे अच्छा तो यही है कि मैं इसे यही मार करके चलता हूं, यही मार डालता हूं। श्याम सुंदर ने ऐसा सोच करके रात्रि को उसी जंगल में ठहरने की सोच ली। दोनों पत्नियों से कहने लगा कि आज इसी जंगल में ठहरेंगे और उसी जंगल में एक धर्मशाला पर ठहर जाते हैं। जब रात हो गई तो पहली पत्नी सो रही थी, दूसरी पत्नी भी सो रही थी। श्याम सुंदर ने तलवार निकाली और तलवार के एक ही बार से पहली पत्नी को काट डाला, उसकी लाश को उठाया और एक गड्ढे में दबा दिया और चंद्रकिरण को लेकर के जब प्रातःकाल हुआ तो अपने देश की ओर चल पड़ा। चंद्रकिरण पूछने लगी कि हे प्राणनाथ, तुम्हारी पहली पत्नी कहां गई? कि चंद्रकिरण, वो मेरी पत्नी नहीं थी, वो तो एक डायन थी, सो मैंने उसे मार दिया। चंद्रकिरण को भी देखिए बहका देता है वो राजकुमार, हे तोते, राजकुमार श्याम सुंदर ने कितनी बेवफाई दिखाई और अपनी ऐसी वफादार पत्नी को मार डाला जिसने उसे जेल से छुड़ाया, उसको जेल से छुड़ा करके उसका विवाह करवाया, उसके लिए जोगन का रूप धारण किया, अपना घर छोड़ दिया। हे तोता, ऐसे बेवफा मर्दों से मेरा हृदय फटता है और मर्दों से मुझे बहुत घृणा होती है, इसलिए मैं मर्दों से दूर रहना चाहती हूं। तुम इस डाल से उड़ जाओ, मेरी डाल को छोड़ दो, इस डाल से किसी दूसरी डाली पर चले जाओ। तोता कहने लगा, हे मैना, सभी मर्द एक जैसे नहीं होते, परंतु सभी स्त्रियां एक जैसी जरूर होती हैं। मैं इसका उत्तर तुम्हें जरूर दूंगा, तुम ध्यान से सुनो। देखिए श्रोताओं, अब तोता एक कथा सुनाएगा बेवफा औरत की और इसको लेकर के मैं आपको, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको इसका अगला भाग आपकी सेवा में अगले वीडियो में प्रकाशित कर दूंगा। इसकी बहुत सी कहानियां मेरे पास है तोता मैना की, जो बहुत ही रोचक और ज्ञान से भरी हुई है। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमें आपके कमेंटों से उत्साह मिलता है, कहानी बनाने के लिए हमारा मन करता है, हमें आनंदित महसूस होता है कहानी बनाने में। तो
तो आप हमें बताएं। और अब मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। अगली कहानी तोता आपको सुनाएगा, और वो क्या सुनाएगा ये अगले वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ जय हिंद जय